कांग्रेस की पंजाब यूनिट में जारी दिक्कतें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। इसी बीच पंजाब के प्रभारी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हरीश रावत ने बड़ा बयान दे डाला। हरीश रावत ने माना है कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, इसमें वो कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं। हरीश रावत ने कहा कि जो मंत्री नाराज थे वो चंडीगढ़ में उनसे मुलाकात करने नहीं आए, लेकिन उनका वो शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अगर वो मिलते तो पूरा दौरा उसी पर फोकस हो जाता। वहीं पंजाब कांग्रेस में चल रही तमाम दिक्कतों को लेकर हरीश रावत ने कहा कि जरूरी नहीं कि हर किसी की सोच आपस में मिले, कई मुद्दों पर विचार अलग अलग हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच हरीश रावत ने साफ किया कि उनकी इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से कोई बातचीत नहीं हुई है, ऐसे में जो चर्चाएं जारी हैं वो बेवजह हैं। आपको बता दें कि पंजाब में सरकार और संगठन के बीच के मनमुटाव को दूर करने के लिए हरीश रावत 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने पहले नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की और फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात की, और उनके ताजा बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब कांग्रेस में मची कलह अभी थमी नहीं है। अब किस तरह से निपटारा होगा पूरी पंजाब? अब ये मान लिया जाए पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल? ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट कि सब चीजें ठीक से सुधरे और थोड़े बहुत जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश हो। क्या किस तरफ आपने कदम उठाया है, क्या क्या आपने मीटिंग में किन किन से बातें की? जिन चीजों को हमारी पार्टी ने पब्लिकली कहा है उन चीजों पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कल बात की है, विस्तार से बातचीत की है और कुछ सॉल्यूशन आपको होता दिखेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार लाइव जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। अमित जी, हरीश रावत साफ साफ कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट, मतलब हम उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। ये जो राजनीतिक संकट चल रहा है किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ एडिशनल जानकारी आपके पास? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने दोबारा जाते जाते खड़ा कर दिया है। ऑल इज वेल का जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ऑल इज नॉट वेल बट इट हेडिंग टूवर्ड्स वेल, मतलब कि अभी भी जो तनातनी चल रही थी दोनों गुटों में, जो लड़ाई चल रही थी वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। इसका एक अंदेशा अगर हम कह सकते हैं कल देखने में मिला था जब नवजोत सिंह सिद्धू अचानक से दिल्ली चले गए थे, तो अब ये भी अटकलें लगाई गई थी कि उससे एक दिन पहले खुद हरीश रावत से उनकी मीटिंग हुई थी और कल जब पंजाब सीएम से मिलने हरीश रावत गए थे तब नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ में पहले आए फिर यहाँ से दिल्ली चले गए। तो सवाल ये उठ जाता था कि आखिर क्यों वो अगले दिन ही अचानक से, ऐसा क्या जरूरत पड़ी जो उन्हें दिल्ली जाना पड़ा? उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि उनको हाईकमान से उधर मिलने का टाइम नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू गुस्सा नजर आ रहे हैं अभी भी, जो एक सहमति बनाने की कोशिश किए थे मेन पर्पस के लिए, जैसे जहां आप कह सकते हैं हरीश रावत को जहां चंडीगढ़ भेजा गया था कि पंजाब सीएम और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस प्रधान के बीच में जो सहमति बनाने की जरूरत है उसके लिए भेजा गया था, वो चीज नहीं हो पाई। हाँ, कहीं ना कहीं मैसेजेस पॉजिटिव जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि डिस्कशन चल रही है तो बातें हो रही है, तो उसमें जरूर एक इनडायरेक्ट अंदेशा दे गए हैं हरीश रावत। उन्होंने कहा है कि स्टेप शुरू हो चुके हैं, बातचीत शुरू हो चुकी है, बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और जल्दी ही ये ऑल इज वेल की तरफ जा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि अभी जब ये स्टेप कब आएगा, कब इस दौरान, क्योंकि इलेक्शंस की अगर हम कहें कि कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ महीने रह गए हैं, अगर हम कहें कि दिसंबर या जैन के नजदीक कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है तो हम कहेंगे 3 महीने के करीब का समय रह गया है कांग्रेस के, जिसमें उन्होंने आपसी सुलह भी करनी हो, उसके बाद इलेक्शन को लेकर तैयारी भी करनी है। तो हरीश रावत की तरफ से तो ये बयान दे दिया गया है, पर ये एक पंजाब के लिए एक बड़ा घमासान छोड़ गया है क्योंकि अगर आप देख सकते हैं जहां वो सॉल्व करने आए थे तो उन्होंने एक तरह से डायरेक्टली तो नहीं कहा पर इनडायरेक्टली जरूर कह गया कि अभी जो इंटरनल फाइट है वो खत्म नहीं हो पाई है। अगर जैसे ये फाइट खत्म होती है तो हम कह सकते थे कि कांग्रेस एक फूड फ्रंट पे या वॉर फ्रंट में फिर से एक साथ सामने आती है, एक बड़ा अगर हम कहते हैं एक बड़ी टफ कंपटीटर के तौर पे दोबारा आती, क्योंकि 2022 के लिए शायद उनके ऑपोजिशन में अभी तक कोई ज्यादा इतना अच्छा अगर हम कहें कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, पर कांग्रेस खुद की लड़ाई के चलते खुद को ब्रेक होते नजर आ रही है। वही हरीश रावत के बाद खुद जो उनके विधायक राजकुमार वेरका थे उन्होंने कहा कि जल्दी ही, ऐसा नहीं है कि लड़ाई ज्यादा देर चल रही है, कि जल्दी ही 2022 के इलेक्शन से पहले पूरी पार्टी के जितने भी हाईकमान है वो एक प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे और ये जो अंदरूनी लड़ाई ये खत्म हो सकती है। तो मतलब उनकी तरफ से ये अंदेशा दिया गया कि एक अहम बात, एक अहम संदेश ये भी आया कि बीच में जब राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे वो दिल्ली में अचानक ही नवजोत सिंह सिद्धू, तो इस बात से साफ लग रहा है कि ऊपर से कुछ संदेश उनको उम्मीदें थी, क्योंकि जैसे ही स्टैंड ये क्लियर हुआ कि सीएम अमरिंदर सिंह नहीं हटेंगे और यही क्लियर करने के लिए हरीश रावत आए थे,
अब इस सबको लेकर अगर वहां ग्राउंड लेवल की बात करें, आपको ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की पब्लिक के बीच जो है, क्योंकि अल्टीमेटली अब ये समय वो है जब पब्लिक अपना मन बनाती है सरकार की योजनाओं को लेकर, अब जब जिस समय पार्टी को पब्लिक के बीच जाकर अपना माहौल बनाना चाहिए उस समय पार्टी जो है वो आपस में लड़े जा रही है, इसका क्या इम्पैक्ट पब्लिक के बीच, किस तरीके की इमेज बन रही है? देखिए पब्लिक के बीच में अगर हम कहें कि जितनी ही पॉजिटिव इमेज कांग्रेस की थी उतनी हिट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस टाइम ये वो टाइम है जहां पे पंजाब कांग्रेस के हम कहेंगे कांग्रेस सरकार को अपने जो किए हुए वादे हैं वो दिखाने थे कि हमने इतने वादे पूरे कर दिए। तो खुद दिल्ली से जब हरीश रावत ने यहाँ भेजा गया था तो उनसे जो पहली चीज पंजाब सीएम से की थी तो उन्होंने किया था जो 18 पॉइंट जो 18 नुक्ते अगर हम कहें कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दिए गए थे, जो 18 वायदे जो कांग्रेस ने किए थे लोगों से पार्टी अगर हम कहें कि रूलिंग में आते टाइम जिनसे लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया था उन सबको लेकर डिस्कस किया गया। वहीं अगर हम बात करें हर एक मुद्दा जो चाहे वो ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे बिजली एग्रीमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो गाड़ी मामला, उन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। तो इसमें हरीश रावत ने बोला कि वो काफी हद तक सेटिस्फाइड है कि जितनी बातचीत की, चाहे ड्रग की डीलिंग हो, ड्रग्स के मामलों पंजाब सरकार ने कितने अच्छे टैकल किया उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हुए नजर आए। और बगाड़ी मामले पे भी उन्होंने तारीफ की कि सीबीआई से कैसे जो वहाँ पे एक तरह से बगाड़ी मामला पेंडिंग चल रहा था कि एक तरह से लगातार लटकाया जा रहा था, उन्होंने कहा था कि वो खुद पंजाब सरकार उन्हें वापस लड़के लेके आई है, तो एक अच्छा संकेत है कि जल्दी वो भी इस मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं। तो वही पावर परचेज एग्रीमेंट की बात हम करें या पीपीए की बात करें हम लोग, तो उसके ऊपर वो अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। पंजाब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इन एग्रीमेंट्स को रद्द किया जाए, पर ये काफी पेचीदा अगर हम कहें सीधे तौर पे कि काफी पेचीदा एग्रीमेंट्स हैं, काफी कुछ कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक साथ या अचानक से इन्हें कैंसिल किया जाता है तो पंजाब में बिजली बंद पड़ सकती है और एट द एंड इससे प्रभावित कौन होगा? आम जनता। और आम जनता को अगर इस टाइम प्रभावित किया जाता है तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी पे पड़ सकता है, तो इन सब चीजों पर कंसिडर कर सकते हैं। हरीश रावत एक और बात बोल गए जब वो लोग बाहर जाए थे, उन्होंने ऑल इज नॉट वेल, उसके अलावा एक और बात वो बोल के गए कि उनको काफी ज्यादा खुशी है कि जिन विधायकों में नाराजगी थी कि वो आखिरी दिन उनसे ना मिलने आए, कि वो नहीं मिलने आए। उन्होंने कहा कि हाँ कुछ विधायक मिले हैं, उन्होंने बात की ऑल ओवर खुशी है कि वो जिस मसले से आए थे, जिस एम से यहाँ आए थे, क्योंकि एम उन्होंने जैसे कल बात की, उन्होंने बोला कि मैं कल बिल्कुल पंजाब कांग्रेस प्रधान से बात करने आया था 2022 के इलेक्शन को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, वही पंजाब सीएम से भी कि उनकी तरफ से क्या तैयार रखी है, उन सब के लेकर जो वादे पूरे किए गए हैं या क्या पेंडिंग है उन सब को लेकर डिस्कशन करने आया था। अमित कुमार, एक चीज और, हरीश रावत जी बहुत मजे हुए नेता हैं, उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत ही सीनियर, बहुत परिपक्व, एक मैच्योर नेता हैं। उनकी तरफ से ऐसा बयान आना कि कुछ भी ठीक नहीं है और एक तरीके से वो कैप्टन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, यही चीजें क्या सिद्धू को असहज कर रही हैं और इसीलिए सिद्धू एकदम से भाग के दिल्ली गए जहां पर उनकी मुलाकात नहीं हो पाई? देखिए अगर हम बात करें कि हरीश रावत याद करें खुद एक्स सीएम रह चुके हैं और खुद अब सीएम कैंडिडेट है, तो हम कहेंगे कि उनका ओहदा जिस लेवल की वो कॉन्टैक्ट रख सकते हैं या हम कह सकते हैं जिस लेवल की डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है वो शायद पंजाब में और किसी के पास नहीं है, और शायद इसीलिए वो पंजाब आए थे। नवजोत सिंह से तो जरूर गुस्सा नजर आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनको उस गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए हरीश रावत जरूर नजर आए। फिर देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी जब हरीश रावत पंजाब आए थे, चंडीगढ़ आए थे, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट मीटिंग खुद नवजोत सिंह सिद्धू के साथ की थी। उन्होंने वो जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे थे उसके कुछ मिनटों में ही उन्हें प्रगट सिंह लेने आए, तो उन्होंने बिना किसी डिले के वो उनसे मिलने गए थे। तो देखिए हरीश रावत ऐसा नहीं है कि वो खुद पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह को फेवर कर रहे हैं, पर वो हर दोनों को ही कंसिडर कर रहे हैं। उन्होंने जब वो चंडीगढ़ आए थे उन्होंने एक चीज क्लियर कर दिया था, उनके लिए दोनों ग्रुप बराबर है और उनके लिए कोई दो ग्रुप नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक ही ग्रुप है और वो है पंजाब कांग्रेस का। वो कांग्रेस के ग्रुप को रिप्रेजेंट करें और कांग्रेस के ग्रुप के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरह करने आए। तो ये कल की मीटिंग के बाद अगर कहें सीएम की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि उन्होंने बकायदा ब्यौरा लिया गया, तो 18 पॉइंट जो कहे गए उनकी तरफ से, देखिए वो नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी हाईलाइट किए गए, तो एक तरह से उनकी बात भी रखने की कोशिश की जा रही है। तो हरीश रावत ये कोशिश कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का गुस्सा जल्द से जल्द शांत हो जाए, वो जिस मसले को लेकर वो गुस्सा है या नाराज नजर आ रहे हैं उसको वो हल कराएं। क्योंकि देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से एक बात की थी कि अगर मुझे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिल जाती है तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये स्टेटमेंट जो हरीश रावत से पूछी गई कि क्या वो पार्टी से ही नाराज है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, इस बात को घुमाई दिया, उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा कि ये उन्होंने पार्टी के लिए नहीं कही है, ये मीडिया ने इंटरप्रेट किया है, जबकि वो उसे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि अगर उन्हें अथॉरिटी मिल जाती है या उनको उतनी पावर मिल जाती है तो ऑपोजिशन की, चाहे वो अकाली दल हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो उन्होंने उसे इस तरह से इंटरप्रेट किया। तो कहीं ना कहीं वो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये दोनों बड़े दिग्गज हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सके और 2022 के लिए पंजाब कांग्रेस अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर सके, क्योंकि बाकी सभी विधायक भी यही चाहते हैं।
कि जो वादे किए गए, जो डिसीजन मेकिंग की गई है, उनको लोगों तक जा सके, ताकि लोगों से जो वादे किए उन्हें दिखा सके कि हमने पूरा किया। हरीश रावत और पार्टी बार बार कह रही है कि 90% वादे पूरे हो चुके हैं और कुछ टाइम में यही वादे 95% तक जा सकते हैं, पर 95% तक मीडिया में बोलना और लोगों को जाके बोलना दोनों में बहुत अंतर है। और जैसे थे इलेक्शन अधिकारी तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि ग्राउंड लेवल पर जाके कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करे खुद को, अगर वहां पे नहीं कर पाती है तो इनको इलेक्शन में बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित कुमार जी इस अहम जानकारी के लिए आपका।